हेलो भाई, स्वागत है एक और मेरे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें कि लाखों और मिलियंस में व्यूज आते हैं, जो कि वीडियो के ऊपर लिरिक्स लिखे आता है। और ये आजकल इस इंस्टाग्राम पे इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है और लाखों मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, और आप भी लाखों मिलियंस में व्यूज पा सकते हैं ऐसा वीडियो बना के। आप लोग सोचते हो कि ये जो ऊपर लिरिक्स आता है वो लिखना पड़ता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख सकते हो तो आप बिल्कुल ही आसान लगेगा कैसे वीडियो के हिसाब से अब लिरिक्स जो लगा सकते हो, कहीं पर भी कोई भी गाना का लगा सकते हो। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस करिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को लाइक करके अब पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिसके कारण मेरी जो भी न्यू वीडियो पास नोटिफिकेशन जाए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिसके कारण वो भी जान सके कैसा वीडियो कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। सो गाइस, सो आप सभी को पहले एक वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर लेना है जैसा भी बनाना है, उसके बाद आपको यूट्यूब पे आकर सर्च करना है जो भी आपको गाने का लिरिक्स चाहिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तेरा मेरा, और इसके बाद आपको कोई भी गाना लिख देना है, उसके बाद लिखना है लिरिक्स RY लिरिक्स यहाँ पे, उसके बाद लिखना है ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद सर्च कर देना है। उसके बाद जैसे आ जाएगा आपके यहाँ पे लिरिक्स बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे इस पर जैसे मैंने इस लिरिक्स पे क्लिक किया, उसके बाद ये लिरिक्स बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसका मतलब कि साउंड इसलिए ऑफ कर दिया है जिसके कारण कॉपीराइट क्लैप ना आए। उसके बाद जो ये लिरिक्स चल रहा है आपके सामने, इसको डाउनलोड, उसके बाद लिरिक्स वाला वीडियो डाउनलोड कर लेने के बाद डायरेक्ट आपको VPN कनेक्ट करके और कैपकट में आ जाना है। और कैपकट में आने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो आपने वीडियो यहाँ पे बनाई थी आपको उसको इंपोर्ट करना है। सो गाइस, वीडियो इंपोर्ट करने के बाद आपको देखना है जितना भी आपका मतलब ख़राब पार्ट मतलब जो अच्छा पार्ट नहीं है उसको थोड़ा सा कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कट कर लिया, आपको भी कट कर लेना है। उसके बाद आपको जो वीडियो बनाना है, मैंने पहले ही बोला था लिरिक्स लगाने वाला, उसके बाद अपने जितना मतलब हम इसमें गाना लगाते हैं तो यहाँ पे आएंगे, ऑडियो पे क्लिक करेंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे, एंड बहुत सारे भाई को ऐसा मालूम नहीं होगा कि मतलब साउंड कहाँ से लाते हैं। उसके बाद इस पर आएंगे, उसके बाद सेट साउंड फ्रॉम वीडियो क्लिक करेंगे, जो हमने वीडियो डाउनलोड किया था उस पर क्लिक करके, और यहाँ पे इनपुट साउंड ओनली पे क्लिक करके, और यहाँ पे देख सकते हो अभी गाना में आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ से इसमें ला लेना है अपने वीडियो में, उसके बाद देख लेना है इसके हिसाब से आपको स्लो मोशन कर लेना है। तो देखिए हम स्लो मोशन कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड में आना है, यहाँ पे कर्व में आना है, कर्व में आकर यहाँ पे हम उसके बाद अपने वीडियो में स्लो मोशन करने के बाद हमने स्लो मोशन कर लिया गाइस, और जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक हम सॉन्ग को रखें। तो यहाँ पे सॉन्ग पे क्लिक करके एंड स्प्लिट पे क्लिक करके और इस साइड वाला सॉन्ग को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब आप सभी देख सकते हैं हमारा वीडियो इसके हिसाब से कर लेना है। उसके बाद जब आपको रिलैक्स लगाने की बारी आती है तो देखिए क्या करना है, जब आपको रिलैक्स लगाना है यहाँ पे कट करना है इसको, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले, ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करना है ऐड ओवरले, ऐड ओवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपने वीडियो डाउनलोड की थी मतलब यूट्यूब से, उसको आपको इसमें इनपुट करना है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, क्लिक कर ऐड करने के बाद यहाँ से कट, उसके बाद देख सकते हो ये आ चुका है हमारे वीडियो में। तो ये बहुत ईजी है, और आप वीडियो में एंड तक बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। एंड जहाँ तक है उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को भले, एंड यहाँ से डिलीट कर लेंगे इस साइड को। डिलीट करने के बाद अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस जो हमने ओवर ले लिया था इस पर क्लिक करके, एंड यहाँ पे एक ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंड इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को एक मिलेगा यहाँ से ओवर ले का ऑप्शन, ओवर ले पर क्लिक करना है, देख लेना आपके हिसाब से वीडियो के। उसके बाद फिल्टर पे देख लो गाइस, फिल्टर पे भी अच्छा है। अब हम लाइटन को सिलेक्ट करते हैं, लाइटन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम वीडियो के हिसाब से यहाँ पर रख लेते हैं, इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसके बाद आप सभी देखिए तो अभी भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब रिलैक्स वाला जो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फिर से आपको यहाँ पे आना है ब्लेंड वाला ऑप्शन पे, एंड यहाँ से आपको देख लेना है कहाँ अच्छा होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी भी अच्छा नहीं है गाइस, इस साइड पे हम रखते हैं इसको थोड़ा सा छोटा, वो देख लेना है, सब सिलेक्ट करके देख लेना है अपने हिसाब से वीडियो के कौन सा अच्छा लगेगा मतलब अपने हिसाब से, वरना इस वीडियो भी ख़राब हो सकती है आपकी। यहाँ पे मेरे हिसाब से इस वीडियो के लिए फ़िल्टर ही अच्छा रहेगा,
फिल्टर को सिलेक्ट करने के बाद एंड यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद हमारा वीडियो बन चुका है। अब हमारा इसमें जो काम है उसके बाद ऊपर का है, जो बहुत सारे आपने वीडियो में भी देखा होगा ऊपर लगाता है सब, मतलब इफेक्ट जो कि बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे कट करना है एंड इफेक्ट पे आ जाना है, वीडियो इफेक्ट पे आना है। वीडियो इफेक्ट पे आने के बाद और वीडियो को अभी भी एंड तक देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो हमारा नहीं हुआ है। वीडियो इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ से हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है कॉलर फ्लैश, ओके कॉलर फ्लैश का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं, मतलब इसको फुल वीडियो में ले लेते हैं। हम फुल वीडियो में लेने के बाद उसके बाद हमको इस इफेक्ट पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इसको ऑटोमॉस्फेयर के इसको फुल कर देना है 100। उसके बाद आपको ग्लो के देख लेना है, यहाँ पे जितना आपका वीडियो के हिसाब से ग्लो हो जाएगा। तो ग्लो हो गया, कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि यहाँ पे और इधर हो चुका है। अच्छा स्पीड को पूरा जीरो कर लेना है। उसके बाद हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, अच्छा वीडियो बन चुका है और आप भी जाओ और वीडियो बनाओ। सो गाइस आप सभी को उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना है, तीर वाला निशान मिलेगा इस पर सेव कर लेना है और आपका वीडियो है सेव टू डिवाइस, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके आपका वीडियो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।